अपनी पतली कमर बेबोसी चाल और छक्कों जैसा मास्क लगाकर मोबाइल के हकीम के पास पहुंची। बाबर आजम क्रिकेट छोड़कर मोबाइल बेच रहे थे। बीमार मोबाइल अपने नफ्स को कंट्रोल में नहीं रख पाया, अंगड़ाई लेकर प्लाजा में नहुसत फैला दी। चचा जान जवानी हाथ से खराब करने के बाद पछता रहे थे। ये पीजीसी के हलाली बच्चे हरामी काम करके आ रहे थे। बट्टे की चिमनी देखकर सीवी जमा कराने चल पड़े। चचा जान हुक्मरानों के नक्शे कदम पर चल रहे थे। मालगाड़ी बिना माल दिए जा रही थी। फाटक खुलते ही मुहाजरीन दोबारा हिंदुस्तान हिजरत कर गए। बुजुर्ग दोस्त रिश्तेदारों को ले जा रहे थे। कोंखी वाला ने मोहब्बत वाला को तलाक दे दी। गार्ड ने मुझे देखकर कहा, मशकूक जेंडर का कॉलेज में दाखिला ममनू है। गाड़ी का पोस्टमार्टम करके लाश मुरसा के हवाले कर दी। यहाँ मरहूम मिठाई की कब्र खोदी जा रही थी। नाराज ठेकेदार अपनी बनाई सड़क उखाड़कर बोरे में ले जा रहा था। गैरतमंद आदमी ने बकरी से बदफेली के जुर्म में बकरे को छुरियों के वार से काट डाला। चचा जान साफी हिलाकर मुसलसल मक्खियों की लोकेशन चेंज कर रहे थे। बाबा जी के पास चूहों का जिंदा निजावीरा दस्तियाब था। रिक्शों की सख्त उस्तानी ने उनको धूप में मुर्गा बना रखा था। मैंने अपनी मुमताज के लिए ताजमहल की जगह खरीद ली है, बस अब उसके मरने का इंतजार है। रेलवे स्टेशन पहुंचे तो पर्दे के पीछे परिंदे बदफेली कर रहे थे। ऐनी शाही दर्द से कराह रहा था। मुसाफिर खाना नौमी भाई ने खरीद लिया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे ख्याल आया कि शुक्र है मैं पेट से नहीं हूँ, वरना चक्कर आ जाते। कारी साहब और हमजा छुप कर अपने अहम शरई मसाइल पर गुफ्तगु फरमा रहे थे। जनाब कायद ने भी बेरोजगारी और अच्छी कौम न मिलने के सबब पानी का स्टार लगा लिया। ये हरामी आदमी गंदे पानी से साफ पांव धो रहा था। यहूदी अदनान इसराइली प्रोडक्ट्स बेच रहा था। वाटर कूलर जरियान के मसले से परेशान था। हकीम साहब ने हाथ लगाकर कहा, इलाज मुमकिन नहीं। गर्मी में इन बद तहजीबों का रोमांस खत्म नहीं हो रहा था। कुल्ली ने ट्रेन रोकने वाला परचम पहन लिया। सफेद सर वाले चचा ने बताया कि वो रेशमा मरहुमा से मोहब्बत करते थे। रेशमा ने चोरी चोरी जिस आदमी से अखियां लगाई थी वो मैं था। ये बदतमीज आदमी जंगल में मंगल करने की बजाय रफा हाजत कर रहा था। लूडो के सांप लूडो खेल रहे थे। भाई ने बताया कि हराम खाने का उनका 20 साल का तजुर्बा है। लूडो में छक्के मारने के बाद क्रिस गेल थक गए थे। भाई को नादरा से कॉल आई कि आपके वालिद का डेटा नहीं मिल रहा। आईडी कार्ड पर काविश अहले मोहल्ला लिख दिया है। डीपीटी के प्रोफेसर चचा ने कहा, अगर उल्टे लेट जाओ तो ट्रीटमेंट फ्री। भाई बगैर एतराज के मान गए।